हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम समवेयर बिटवीन जम्मू टू हरिद्वार। ये रह चुके हैं हरिद्वार में। अभी हम गंगा किनारे पहुंच चुके हैं और सारे मेरे साथ बोलेंगे गंगा भैया की जय। गंगा देखिए तो इनके मुंह में स्माइल आई है, ऐसे शांत हुए हुए। ज्यादा रश कल और परसों होगा क्योंकि कल और परसों बैसाखी है ना, मैं हो चुका हूँ शर्टलेस। इन्होंने कहा तू रहने दो करने को। स्नान करके चेंज भी कर लिया पूरा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये मतलब जहाँ हमने पहला व्लॉग एंड किया वहाँ से हम साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसने नहीं देखा वो जाकर देखें। उसमें हम जोरी से जम्मू तक गए और ट्रेन पर बैठे। अभी फिलहाल अभी हमारा ट्रिप कहाँ करा वो जब हम पहुँचेंगे आपको तभी बताऊँगा। GoPro में फ्लैश नहीं थी, उसके लिए हमने फ्लैश ऑन की हुई है जो मानसी ने रियल कर रही है। तो फिलहाल ट्रेन जो हमारी चल चुकी है, देखिए कैसे चल रही है। काफ़ी टाइम बाद हम ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम अभी किसी ब्रिज पर आ चुके हैं, ब्रिज से चल रही ट्रेन जिसकी शोर काफ़ी है। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है, मतलब ये व्यू और ट्रेन ट्रेन पर बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। विंडो सीट और फिर तो और अच्छा लगता है। अभी बस भूख लगी है हमें काफ़ी, थोड़ी देर बाद जो हम खाना खाएंगे दर्शन करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी तो आगे कुछ कम मिले कम नहीं मोड़ी पता था इसलिए दर्शन बना के लाया थे। तो जब वो खाते हैं बहुत होता नहीं, फिलहाल अभी हम थोड़े रेस्ट लेते हैं। ओके चलिए, अभी डिनर वगैरह हो गया हमारा, मेरे साथ बैठे हैं मम्मा। मम्मा डिनर हो गया? हो गया। मगर कैसे फीलिंग है अपने लड़के से? लड़के के साथ घूमने जाने मजा आ रहा है। भाजी खाना खा लिया? क्या कर रही हो भाजी? आजकल कैमरे के शर्मा जाते हैं। मानसी तो मस्त गाने सुन रही है। अच्छा आप क्या कह रहे थे? मैं वो पहले हम गए थे तब छोटे थे। हाँ तो पाँच साल लास्ट टाइम 5 साल पहले गए थे हरिद्वार, तो जगह का नाम बोल दिया मैंने। तो 5 साल पहले गए थे तब छोटे छोटे होते थे, अभी फिलहाल बड़े हो गए। और अभी मैं जा रहा हूँ मम्मा से देखा। हाँ सबका नहीं बन पाया ना घर पे, फिर कोई चीज़ कोई ना कोई चाहिए हो। तो और अभी फिलहाल कोई रेलवे स्टेशन स्टेशन आया हुआ जहाँ रुकी हुई अभी कोई पता नहीं है। कठुआ पीछे रह गया ना, पता नहीं जो भी है। तो अभी बस यहाँ रुके हैं, सुबह निकले थे ना तो थक गए हैं। मैं तो ज़्यादा ड्राइव कर करके थक गया हूँ। अच्छा लग रहा हूँ। चलो अभी यहाँ पर आ चुकी है मम्मा ने पेन नहीं चाहिए लेकिन कॉफ़ी मिली है यहाँ पर। ये रही मम्मा की, मानसी और बाची की भी है। तो ये आ गया मेरा का देख। भैया कितने का एक कप है? 20 का 20 20। तो भाई ये है कॉफ़ी 20 रुपये की, अभी पी के देखेंगे कैसी है। पी तो यार अभी किसी स्टेशन में रुके, पता नहीं कहाँ रुके, ऐसे देख लें। ऐसा देखो सही है, लेकिन यहाँ कोई शॉप नहीं, मैंने सोचा कुछ ले लेता, शॉप है ही नहीं। तो सिर्फ खा लिया देखो सही है, बाकी मम्मा और खा लिए। अब हम पहुँचेंगे लगभग, अब ट्रेन तो चल रही ना, अब लगभग हम पहुँचेंगे सुबह के टाइम, सुबह 5-6 के करीब। तो देखते हैं कब पहुँचते कब नहीं। जी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? बस बढ़िया। क्या सर रात का सफर आपका? रात का थोड़ा ठीक भी था, थोड़ा अच्छा भी था। नींद आई नहीं? नींद तो आती है ट्रेन में, फिर भी थोड़ी बहुत चलो है ना टाइम पास। तो हमारे मानसी जी वहाँ बैठे, उनको उस दिन मानसी जी क्या हाल है आपके? ठीक भैया। कैसा आपका रात का सफर? ठीक है, मतलब आपका भी ओके ओके रहा। अपनी बाजी को पूछते हैं। बाजी आपके क्या हाल है? ठीक हो? नींद आई थी रात को? नींद आई थी, नींद आई थी। भैया गाय के दूध की चाय है भैंस की? भैंस की है। इसका कलर देख के तो पानी की लग रही है, एक मांगी है ना। तो भाई सुबह सुबह पी जा रही है यहाँ पे चाय जो ना भैंस के दूध की है ना गाय के दूध की है, पाउडर वाले दूध की है ना।
हेलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम समवेयर बिटवीन जम्मू टू हरिद्वार। शायद हम आधे घंटे तक हरिद्वार पहुँचे और रात को मैं आपको बताऊं तो मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरी सीट जो थी वो मेरे हिसाब से 5-8 थी और मैं 5-11 हूँ, जिस वजह से मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल रहा। मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई। ये सीट अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल कौन सी होगी? ये नीचे फ्लोर कौन कंफर्टेबल है? बहुत अनकंफर्टेबल है। ठीक है, फर्स्टली तो ये रहा, दूसरा ये रहा कि मैं इनसे दूर था तो मुझे नींद ही नहीं आई। मेरे को लगा मेरी छोटी प्यारी सी बहन ना घूम जाए किसी रेलवे स्टेशन में उतर के भाग जाए। मैं कहाँ ढूंढूंगा भाग मेरे को। बाकी मुझे मेरी प्यारी मम्मा की भी टेंशन थी, बड़ी मम्मा कह रहे हैं वहाँ पे नेवला मंदिर कोई दिखाया है। अच्छा, तो अभी हमने सुबह सुबह चाय ले ली है, तो चाय के साथ हम अपना सफ़र इंजॉय करते हैं क्योंकि हमें सफ़र करने का बहुत शौक है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा सीन है कि देखिए यहाँ पर हम हाथ मुँह के धो नहीं सकते क्योंकि काफ़ी पानी नहीं है, दिक्कत है और भी काफ़ी प्रॉब्लम है। तो हम जैसे हरिद्वार पहुँचेंगे वहाँ पर ये रूम लेंगे, अच्छे से फ्रेश होंगे, नहा धो कर फिर मिलेंगे आपको शुरुआत करने। मम्मा देखिए सुबह सुबह चीख रहा कि भाई मम्मा जी देखो बोलो हर हर गंगे हर हर गंगे। चलो तो अभी हम सीधा आगे नहीं रुकते हैं तो फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस फाइनली वो रीच हरिद्वार रेलवे स्टेशन। ये रह चुके हैं हरिद्वार में। कर अभी हमारे पास ये हमारा लगेज है, अभी हम चलते। मम्मा इसको इधर रख दो दो। हाँ इसको रख दूँगा ऐसे। चलो ये हो गया। अभी हम एक जगह रुकते हैं तो फिर आपको पूरा बताते हैं अभी हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। पहले सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी हमें तो वहाँ पर देखिए सनराइज भी हो चुका है। चलो जी, तो फिलहाल अभी हम रेलवे स्टेशन से बाहर जो है वो निकलने वाले हैं। देखिए ये यहाँ से भी हमने बाहर हो जाना फिर मेरे साथ बाजी मानसी आगे जा रहे हैं। तो यहाँ से पहले ऑटो वगैरह लेते हैं, रिक्शा वगैरह, फिर हम चलते हैं कहीं होटल वगैरह की तरफ। ऐसा कोई डिसीजन लिया हमने कि अभी एक इलेक्ट्रिक ऑटो किया हमने जिस पर हमारा सारा लगेज और हम जाएँगे और कुछ होटल्स हैं वो चेक करेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा वो ले लेंगे। तो ये रहा ऑटो, इसमें रखते हैं सामान। तो भाई बैठ चुके हैं ऑटो पे। लगभग 5 साल बाद हम हरिद्वार आए, नहीं तो पहले हम जो था ना हर साल आते थे, तो फिर कोविड आ गया। कोविड की वजह से भी हम 2-3 साल नहीं आ पाए, उसके बाद फिर सारे बिजी हो जाते थे। हर बार प्लान बनता था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता था। हाँ क्योंकि अप्रैल में जो है सबके एग्ज़ाम होते थे, हम आते ही अप्रैल में थे क्योंकि इस टाइम जो है बैसाखी होती है और बैसाखी का स्नान काफ़ी पवित्र माना जाता है, तो इसलिए हम भी आ गए। तो बाजी और मम्मा भी आ गए, बाकियों का प्लान तो बना नहीं। अभी हम गंगा किनारे पहुँच चुके हैं और सारे मेरे साथ बोलेंगे गंगा भैया की जय। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए यार, ये रहे हमारे गंगा भैया। तो अभी हम रूम वगैरह देखते हैं फिर आएंगे आराम से स्नान करेंगे, पानी बहुत ठंडा होगा तो और मज़ा आएगा। गंगा देखिए तो इनके मुंह में स्माइल आई है, ऐसे शांत हुए मेरे। वो हमारे में भी आई है यार, देख के बड़ा ऐसे खुशी सी होती है अंदर। अभी आ चुके हैं हम होटल में और अभी हम लिफ्ट में, अभी हम जा रहे हैं रूम देखने। ये हम जा रहे हैं 4th फ्लोर पे, वहाँ पर रूम है, पहले रूम देखेंगे रूम कैसे फिर डिसाइड करेंगे लेना या नहीं। तो यार अभी ऐसा सीन है कुछ कि बहुत जगह रूम देखे हैं, रूम मिल रहे नहीं हैं, जहाँ मिल रहे हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में मिल रहे हैं। तो भाई फाइनली हमें एक रूम मिल चुका है, मतलब लगभग कोई 20 रूम देखने के बाद 20 रूम में से 18 रूम तो इतने बेकार थे, इतने बेकार थे। अभी मैंने मुँह धोया, इसको आप साइड रखना है गिल्ला से गिल्ला सा। अभी तो 18 रूम तो इतने बेकार थे कि मैं क्या बताऊँ, और प्राइस उनका ऐसे कि जैसे 5-स्टार होटल है। तो फिलहाल एक रूम मिल चुका है अच्छे से हमें, 3 बेड। यहाँ मम्मा मानसी बाजी, तो यहाँ पर मैं अलग, 3 ये हो गए 3 बेड के लिए। तो अभी यहाँ सारे हो चुके हैं थोड़े फ्रेश, अभी हम चल रहे हैं गंगा मैया पे, वहाँ जाएंगे स्नान करेंगे, सबसे पहले स्नान करेंगे फ्रेश हो जाएंगे और फिर उसके बाद कुछ खाने वगैरह जाएंगे। फिलहाल मैंने शूज़ चेंज कर लिए हैं, स्लीपर डाल लिए हैं, ये बैग रहा हमारा, ये दूसरा बैग यहाँ पर ही, इनका ये यहाँ पर ही। चलें चलें भाजी, चलें मामा, मामा चलें। तो अभी चलते हैं, फिलहाल रूम से निकल चुके हैं, अभी हम चल रहे थे गंगा की तरफ। आपको बता दो, जब हम पहले आते थे ना तो हम इस होटल में स्टे करते थे, ये होटल था, लेकिन इस बार यहाँ रूम ही नहीं अवेलेबल, तो इस बार हम थोड़ा सा साथ में ये दूसरा रूम भी जहाँ स्टे कर रहे हैं अभी हम। बाकी जितने सारे व्लॉग्स हैं आप देखते रहना, एंजॉय करते रहना, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो भी कर देना,
गंगा के किनारे पहुंच चुके हैं। यहाँ से सामने बस हमने यहाँ से ऊपर हो जाना है, सामने गंगापुरी। अभी हमने वहाँ से नीचे, हाँ वहाँ नीचे से होते ना हम, हाँ तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सामने ना, यहाँ से हमने लेफ्ट हो जाना है। सामने देखिए रश कितना है, रश काफ़ी है। अब ज़्यादा रश कल और परसों होगा क्योंकि कल और परसों बैसाखी है ना तभी। और ये जितने ब्लॉग हैं सारे मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ, आईफोन से नहीं शूट कर रहा हूँ। चलो तो भाई यहाँ पर हमने चप्पल दे दी अपने, ये टोकन मिलता है फिर ये हमें वापस देना पड़ता है, तो फिर हमें हमारे जो है शूज़ चप्पल वगैरह मिल जाते हैं। पर अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से एंट्री होती है और ये देखिए ये रहा सामने गंगा। अभी हम यहाँ जाएंगे नहाएंगे, तो देखो सामने ही पूरी गंगा है और ये सामने ऐसे बने हुए घाट पूरे गंगा घाट, ये देखिए पूरे यहाँ पर अलग अलग पूजा वगैरह सब कुछ होती है। फिलहाल हम चलते हैं स्नान करते हैं। तो यार अभी सामान इनको चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पर, तो अभी चलते हैं स्नान करते हैं, आपको दिखाते हैं। इन्होंने तो डुबकी लगा दिया, अब मेरा लगाने का टाइम हो गया। मैं यहाँ भैया इनको कैमरा पकड़ा देता हूँ, तो मैं भी डुबकी लगाता हूँ। तो यार अभी डुबकी लगाई, बहुत ठंडी है गंगा यार कसम से। ये तीनों लगा रहे हैं अभी डुबकी। तो यार अभी ना गंगा में स्नान कर लिया, बहुत मजा आया। मम्मा डरते हैं, मम्मा की तरफ कैमरा रख, मैं तो मुझे कह रहा था जल में लेके जाता हूं। मम्मा कह रहा है इस तरह से आओ ना, अपनी बेटी में विश्वास नहीं है आपको, आओ ना बस बाकी कल करेंगे। इस बाजी को देखो ना मम्मा, यार बाजी को यार मेरे को जाने दो, आ जा तू। आ तो भाई गंगा में अभी स्नान कर लिया, बहुत मजा आया। अभी के मेरे कैमरा मैन देखिए कौन है, ये मेरे कैमरा मैन से जो पांच बार पांच बार। बहुत मजा आ रहा, गंगा बहुत ठंडी है तो उस वजह से बहुत मजा आ रहा है। तो यार अभी यहाँ से लिया हमने जोत, ये एक ये रही एक ये रही, इनको गंगा में छोड़ते होते हैं। चलो तो भाई अभी फ़िलहाल मैंने स्नान करके चेंज भी कर लिया पूरा, तो अब मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर मम्मा और वो चेंजिंग रूम में गए, वहाँ से वो चेंज करके आएंगे। फिलहाल मैंने टिक्का भी लगवा लिया और नहा धो लिया, कितना अच्छा लग रहा है ना प्यारा सा क्यूट सा। अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। ये ऐसे जो बने हुए हैं ये सामने ऐसे बने हुए हैं, यहाँ पर बैठते पंडित वगैरह, तो ये पूजा वगैरह करवाने के लिए होते हैं। अभी फ़िलहाल मैं कहीं बैठ जाता हूँ, मम्मा और वेट करता हूँ जब तक वो आते हैं, तब तक मैं थोड़ा धूप लगा लेता हूँ क्योंकि गंगा बहुत ठंडी थी, तो अब थोड़ी सी ठंड लग रही है, लेकिन ठीक है मज़ा आया अच्छा रहा। फिलहाल के स्नान कर आ चुके हैं और सब ने चेंज कर लिया और अब वो काफ़ी रिफ्रेश फील कर रहे हैं। ये मामा मज़ा आया, भाजी आपको मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा यार। अभी फिलहाल चलते हैं हम, मानसी पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद ले लेना ठीक है, पहले खा ले, भूख लगी पहले बहुत भूख लगी है। लेकिन ये कपड़े देखिए तो भागती जाती थी, यहाँ कपड़े लगे भागती वहाँ जाके खड़ी होगी, तो अभी चलते हैं सबसे पहले कुछ खाते हैं, मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आज का दिन हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत लंबा दिन है।